देखिए, टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब पहले तो वो फिजिक्स की ब्रांच जिसमें हम किसी बॉडी के मोशन के बारे में बात करेंगे, उस ब्रांच का नाम होता है मैकेनिक्स। तो सबसे पहले बात हम करेंगे मैकेनिक्स की, यानी मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी बॉडी के रेस्ट या मोशन के बारे में बात करेंगे, कंडीशन ऑफ रेस्ट और कंडीशन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। तो लिखिएगा मैकेनिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन That deals the condition of rest or motion of an object around us. यानी हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है उसके रेस्ट और मोशन की कंडीशन क्या है, कब रेस्ट में रहेगा, कब मोशन में रहेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या गड़बड़ हो रहा है, इस सब के बारे में जिसमें स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। अब इसकी ब्रांचेज क्या होते हैं, लिखिए ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स। ये हो सकता है किताब में ना दिया हो, लेकिन ये चूंकि स्टार्टिंग यहीं से होनी है इसलिए बताना पड़ेगा। ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स, देखिए एक तो ब्रांच इसकी होती है स्टैटिक्स। नाम से लग रहा है स्टैटिक मतलब रेस्ट में, यानी यहाँ पर हम बॉडी के रेस्ट के बारे में बात करेंगे कि वो जब रेस्ट में किस कंडीशन रहती है, यानी जो मकारी कर रहे उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं है, रेस्ट में रहने वाली बॉडी भी हो सकता है उस पर फोर्स लग रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि बॉडी में फोर्स लगे और रेस्ट में रहे, हो सकता है, हो सकता है रिजल्टेंट फोर्स उसमें जीरो हो। ठीक है, तो लिखिएगा शॉर्ट में लिखवा रहे हैं, इन लिखिए द बॉडी रेस्ट आर इन इक्विलिब्रियम या इन दिस द बॉडी रिमेन इन रेस्ट, लिखे इन दिस बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट और इन स्टेटिक इक्विलिब्रियम और इन स्टेटिक इक्विलिब्रियम। इन दिस का मतलब ये स्टेटस कोई झोला नहीं है कि इसके अंदर बॉडी भरी रहती है, मतलब ये ब्रांच है जिसमें कि हम उन बॉडी के बारे में बात करते हैं जो रेस्ट में रहेंगी, फोर्स तो लगेगा उसके ऊपर। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि भाई मान लिया आप कोई आपका कान इधर खींचे, 2 न्यूटन का फोर्स लगाए, दूसरे वाले कान को इधर खींचे, नाक को आगे की ओर खींचे, चुटैया पीछे खींचे, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। यानी आप इक्विलिब्रियम में हैं, नो प्रॉब्लम, खड़े हैं आराम से और खींचो, मस्कुलर पेन हो रहा होगा लेकिन नेट जो उस पर फोर्स है वो 0 है। तो वो चीज़ जिस ब्रांच में हम डिस्कस करते हैं वो क्या होती है, स्टैटिक्स। ठीक है, नंबर 2 लिखिए काइनामेटिक्स। इसमें हम बॉडी के मोशन के बारे में बात करेंगे लेकिन हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में बात नहीं करेंगे। बॉडी मोशन में है लेकिन मोशन का कारण क्या है, फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शन नहीं था, वो वहां पर चिकना सरफेस था, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो लिखिएगा इन दिस ब्रांच वी डील द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, या दिस डील्स द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। अब अंग्रेजी बनानी पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी में दिक्कत होगी ना, तो फिजिक्स का टीचर अंग्रेजी में तो गड़बड़ हो गई होगा। वी डील अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। भाई हम लोग 1947 के तो अंग्रेजी वाले हैं नहीं, हम तो 2000 जो है उसमें वाले हैं, तो ठीक है अंग्रेजी आती है लेकिन वो अंग्रेजे हैं तो नहीं बात है ना। ठीक है, नंबर 3 जो है ना उसके 2 नाम हैं। एक तो डायनामिक्स है मेन नाम जो कि आपको दिखेगा हर जगह, ठीक है, इसको दूसरा नाम है काइनेटिक्स, दूसरा नाम इसका है काइनेटिक्स। ये नाम आपको जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा, मिलता है अच्छी बुक्स में लिखा भी होता है,
काइनेटिक्स, इसमें भी हम बॉडी के मोशन के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे मतलब नहीं कोई बॉडी मोशन में गए हो देखो जा रही है, ऐसा नहीं है, मतलब क्यों मोशन में हुई। उसमें ये भी हम देखेंगे कि उसका उसके मोशन का कॉज क्या है, किस वजह से बॉडी में मोशन हो रहा है। काइनेमेटिक्स में हम क्या कर रहे थे कि बॉडी के मोशन के बारे में तो हम बात करेंगे ठीक है, लेकिन हम उसके कॉज के बारे में बात नहीं करेंगे। अब मोशन का कॉज क्या होता है, क्योंकि एक ही कॉज होता है, बिकॉज ऑफ फोर्स, फोर्स की वजह से ही बॉडी मोशन में होती है। तो लिखिएगा, दिस डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द कॉज ऑफ द मोशन, टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द कॉज ऑफ द मोशन। अरे बहुत अच्छी राइटिंग तुमने बना ली, वाह वेरी गुड राइटिंग, नहीं अच्छी है भाई। तो उस पेज में से पैच लगा हुआ है, इसमें अच्छा लिख रहे हो, कॉज ऑफ द मोशन ठीक है। इसका मतलब मोशन का कॉज क्या होता है, फोर्स होता है, इसका मतलब इसमें फोर्स के बारे में बात करेंगे ठीक है। तो लिखिएगा, हियर वी कंसीडर द फोर्स विच इज द कॉज ऑफ मोशन, विच इज कॉज ऑफ मोशन, यानी यहाँ पर फोर्स के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स होता है ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, एक टॉपिक है, नेक्स्ट लिखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल हम लें कि कोई घटना कहीं घटित हुई, बहुत तेजी से एक ब्लास्ट हुआ और उसकी आवाज और उसकी लाइटिंग दिखाई पड़ी, तो एक व्यक्ति ने कहा कि भाई हमने आवाज सुनी थी और लाइट बड़ी तेज से स्पार्किंग टाइप की दिखाई पड़ी थी, 10 बजे का मामला था। तो उसने कहा नहीं यार, स्पार्किंग तो हमको भी लगी थी, कुछ रोशनी एकदम से हुई थी, लेकिन आवाज नहीं सुनाई पड़ी थी। क्यों, घटना तो एक ही हुई, स्पार्किंग हुई होगी तो हुई होगी, आवाज हुई होगी तो हुई होगी, एक सुनेगा एक नहीं सुनेगा किसे कैसे हो सकता है। तो देखा ये कि जो घटना हुई थी वो जो आवाज और लाइट जिसको दिखाई पड़ी वो उसके नज़दीक था, कहीं थोड़ी दूर पे खड़ा हुआ था, और दूसरा दूर था। तो कोई भी इवेंट जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, आप कहीं पर बैठ के बात कर रहे होगे ना, तो आप किस रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे आपने कहा अर्थ घूमती है, आपको तो नहीं महसूस होता क्योंकि गोबर जो बाहर पड़ा था अभी पड़ा हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है, अर्थ घूमती है, नहीं लगता है वो, ठीक है सनराइज होता है सनसेट होता है तो मालूम होता है, लेकिन आप दूसरे प्लेनेट से आप जाओ तो आपको क्या लगेगा, घूमती हुई नजर आएगी। या आप कहते हैं भाई स्काई का जो कलर है वो नीला है, आप बाहर किसी और प्लेनेट से देखो जाकर के, जहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है वहाँ पर आपको आकाश का कलर कैसा नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा। तो यानी कि कोई भी इवेंट की आप बात करोगे तो आप कहाँ से बात कर रहे हो, किस सरफेस में बैठे हुए आप थे ठीक। आपने ट्रेन में एक व्यक्ति देखा, बोले ओरेस्ट में दादा बहुत देर से बैठे हुए हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म से हम देख रहे हैं तो दादा और आप दोनों लोग क्या हैं, मोशन में हैं। तो आप ट्रेन पे बैठ करके उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो ट्रेन आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम प्लेटफॉर्म में बैठ के बात कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। समझ में आ गया, तो इसकी डेफिनेशन अपने आप लिख लेंगे कि किसी इवेंट के बारे में हम बात करते हैं तो विद रेस्पेक्ट टू विच फ्रेम विच सिस्टम वी आर कंसिडरिंग दैट इवेंट, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो इनर्शिया मतलब जो इनर्शिया के रूल को फॉलो करें, और इनर्शिया के बारे में किसने बात की थी सबसे पहले, न्यूटन ने, तो जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, और जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो ये दो डेफिनेशन आप अपने आप लिख लेंगे ठीक है। अब जो हम बताने जा रहे हैं ये बहुत क्लास फोर्थ फिफ्थ से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, स्पीड क्या है, वेलासिटी क्या है, केवल उसको एक तरीके से कंपाइल करके एक ऑर्डर से लिखाना है। तो लिखिए रेस्ट, रेस्ट एंड मोशन, एक साथ डेफिनेशन हेडिंग डालिए, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं हम पहले से जानते हैं, रेस्ट एंड
मोशन। देखिए अब सिंपल सी बात है, कोई बॉडी रेस्ट में कब कहलाएगी? मैंने आप लिखे किसी का मूवमेंट ना हो, आप कैसे कहेंगे मूवमेंट नहीं हो रहा है? अगर कोई बॉडी समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो हम क्या कहेंगे कि वो रेस्ट में है। अगर समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो वो मोशन में है। तो लिख लीजिएगा, बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम, विद टाइम देन द बॉडी इज सेट टू बी इन रेस्ट, देन द बॉडी इज सेट टू बी इन रेस्ट। तो बॉडी जो है रेस्ट में कहलाएगी। एग्जाम्पल लिखिए, बुक लाइंग ऑन द टेबल। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, भाई एक बुक है पड़ी हुई है, तो वो किस पोजिशन में है? रेस्ट में है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए क्योंकि मोशन इसी में आपने किया। अब ये एंड वाइस वर्सा हो जाएगा उसी का, कि अगर सराउंडिंग में टाइम के साथ साथ बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो बॉडी क्या है में है, मोशन में है। तो लिखिए, बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन द बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन, देन द बॉडी इज सेट टू बी इन पोशन, तब उसको मोशन में कहा जाएगा। अच्छा एक नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा कि भाई जो रेस्ट एंड मोशन है ना, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म। अब आपको नाम से तो लग रहा होगा रिश्तेदार है कुछ, रेस्ट का फूफा, मोशन मोशन का फूफा, ऐसा नहीं है। रिलेटिव टर्म का मतलब होता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो हो सकता है किसी के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में हो, किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में वो मोशन में हो सकती है। हम रेस्ट में हैं विद रेस्पेक्ट टू यू, लेकिन अगर कहीं किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई हमको देख रहा होगा तो हम मोशन में हैं। ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति, आपके बगल में कोई बैठा हुआ व्यक्ति है और ट्रेन चल रही है तो आपके रेस्पेक्ट में वो, लेकिन कोई दूसरा प्लेटफॉर्म से देख रहा है तो ये रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म है। मतलब वो एब्सोल्यूट रेस्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, किसी के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में हो सकता है और किसी के रेस्पेक्ट में वो मोशन में हो सकता है। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज में भी लिखें तो उसका मतलब निकल रहा हो। अब मोशन के टाइप बहुत सारे होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। अब देखिए, वैसे तो सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, बहुत सारे मोशन होंगे, लेकिन यहाँ पर वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन की बात करेंगे। तो लिखिए, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, या वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन या इसको लीनियर मोशन कहते हैं या इसको रेक्टिलीनियर मोशन कहते हैं। रेक्टिलीनियर तीन नाम है। देखो अब आप कहेंगे साहब ये बताइए, तीन नाम है, तीनों अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी वाले पागल थे तो तीन वर्ड का है के लिए दिए। अरे वन डायमेंशन यहाँ दे देते, लीनियर किसी भालू का नाम देते, एक और कोई मीनिंग बन जाती। एक ही चीज़ के तीन नाम, तीनों के मतलब अलग अलग है। वन डायमेंशन लीनियर तो वही हुआ, लीनियर और रेक्टिलीनियर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या डिफरेंस है मालूम है? देखिए लीनियर का मतलब ही स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब कोई पार्टिकल छोटा सा पूरा किसी स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा तो उसका मोशन कैसा होगा? लीनियर। और जब कोई बॉडी चल रही होगी तो वो रेक्टिलीनियर। रेक्टिलीनियर में हम पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे नाक आँख कान गला सब चल रहे हैं, ठीक है। और जब केवल एक पॉइंट चल रहा होगा या बॉडी चल रही होगी तो मतलब पॉइंट पार्टिकल, तो उसका मोशन कैसा कहलाएगा? लीनियर। समझ में ही बात नहीं है? तो देखिए दो प्रकार की इसकी डेफिनेशन है,
एक तो डेफिनेशन इसकी ये है कि भाई कोई बॉडी अगर एक स्ट्रेट लाइन में चले तो उसका मोशन कैसा होगा, लीनियर या वन डायमेंशनल। दूसरा तरीका इसका डेफिनेशन का हो सकता है कि देखिए जैसे हम ये एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, और अगर कोई पार्टिकल ए पॉइंट पर है और यहाँ पर कोऑर्डिनेट इसका है एक्स वन कामा वाई वन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ से एक्स वन दूरी है और यहाँ से वाई वन दूरी है। अब अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो बताइए कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, वाई वन नहीं चेंज हुआ, एक्स चेंज हो गया भाई साहब, एक्स की दूरी यहाँ यहाँ पहुँच गई, एक्स टू हो गया है, लेकिन ये ऊंचाई अभी वाई वन ही है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स टू कामा वाई वन। तो ऐसा मोशन, चूँकि हम बात फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कर रहे हैं और जो सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आप कहेंगे ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल के कोऑर्डिनेट सिस्टम में केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, कोई एक्स हो वाई हो या जेड हो, तो वो मोशन क्या कहलाता है, वन डायमेंशनल मोशन कहलाता है या रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है या लीनियर मोशन कहलाता है, ठीक है। तो लिखिए डेफिनेशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल इफ ओनली वन ऑफ द थ्री only one of the three coordinate specifying the position of an object changes with time, as if specifying the position of an object changes with time। मतलब आप यहाँ पर z1 भी मान लीजिए, मान लेते हैं यहाँ z1 भी मान लिया, ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये z एक्सिस है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 और यहाँ पर x2 y1 z2, मतलब सब कुछ चेंज हो गया, केवल क्या नहीं चेंज हुआ, y1 चेंज नहीं हुआ, नहीं कहीं भी हो ये z इधर है, z इधर है, वो एक्चुअली दिखाया जाता है ऐसे थ्री डायमेंशन है ना, z इधर की ओर है, तो यहाँ से पोजीशन उसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। जब इसे यहाँ से हम लेंगे तो ये अलग होगा, ये अलग होगा, अब दिखाते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। तो यानी कि दो कोऑर्डिनेट, तीन पॉइंट हैं, एक्स है वाई है और जेड है, इसमें से कोई एक चेंज हो जाए तो मोशन कैसा होगा, वो होगा स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन या वन डायमेंशनल मोशन। अब इसी में आप मोशन इन टू डायमेंशन कर देंगे, जो डेफिनेशन में लिखाई है कि आउट ऑफ थ्री ओनली टू विल चेंज, आउट ऑफ थ्री ऑल थ्री विल चेंज, तो ये मोशन कैसा हो जाएगा, टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशनल, ये भी लिख सकते हैं आप। क्योंकि हमको केवल वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं इसलिए हम टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन लिखवा नहीं रहे, ठीक है, लेकिन इसमें नोटिंग करके हम लिखवा देंगे, नोट कर लिया। अगर आपसे मोशन इन टू डायमेंशन की बात करें तो इसी डेफिनेशन में देखिए हमने क्या लिखाया है कि थ्री पॉइंट्स जो एक्स वन जेड वन है, थ्री में से एक चेंज हो रहा था, तो टू डायमेंशन कितने चेंज होंगे, दो चेंज होंगे, थ्री डायमेंशन में तीन चेंज होंगे, बस एक नोटिंग करके लिख सकते हैं कि कब किसी बॉडी के मोशन को वन डायमेंशनल कहेंगे, कब टू डायमेंशन कहेंगे और कब थ्री डायमेंशन कहेंगे। तो एक नोट करके लिख लीजिएगा, नोट नंबर वन, अगर कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है तो उसका मोशन कैसा होगा, वन डायमेंशनल, लीनियर ही है वो, मतलब मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज वन डायमेंशनल का मतलब लीनियर का मतलब रेक्टिलीनियर, लेकिन लीनियर रेक्टिलीनियर में जो थोड़ा सा अंतर है वो बाद में डिस्कस किया जाएगा। मतलब मान लिया ये कोई बॉडी है, मतलब यहाँ से आपने उसकी लोकेशन आपने कही ये x1 डिस्टेंस पर है और थोड़ी देर बाद इसी लाइन पे वो B पॉइंट पे पहुंच गई और वो x2 डिस्टेंस पर हो गई, तो ये मोशन कैसा हो कर रही है, लीनियर मोशन कह रहा है, ठीक है। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो क्या होगा, x2 माइनस x1। दूसरी बात, अगर मान लिया आपकी टेबल है
और टेबल पे कोई चीठी पड़ी हुई है उसकी लोकेशन बताना है, तो ये मोशन कैसा कहलाता है? प्लेन का टू डायमेंशन, क्योंकि प्लेन पर दो एक्सेस खींचती हैं, ठीक है। तो लिखिए मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन इज टू डायमेंशन, मोशन इन अ प्लेन इज टू डायमेंशन, ये टू डायमेंशन मोशन होता है। मतलब प्लेन बनाएंगे तो भाई ऐसे बनाएंगे आप, ये प्लेन बनाएंगे और कोई बॉडी यहाँ थी और घूम करके यहाँ कहीं आ गई, तो चूंकि प्लेन पे ही है ना, सरफेस पे है, तो ये कोऑर्डिनेट आपका क्या, क्या होगा? अगर ये होगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, दोनों चेंज हो गए। इसके पहले वाले में हमने क्या किया था, केवल y चेंज किया था, x चेंज किया था, या दोनों चेंज हो गए, तो दूसरा हो गया टू डायमेंशन। तीसरा लिखिए मोशन इन स्पेस, मोशन इन द स्पेस इज थ्री डायमेंशनल, इसको बना लीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे कि मोशन इन अ स्पेस, मोशन इन स्पेस, इन स्पेस इज थ्री डायमेंशनल। स्पेस का मतलब आप अंतरिक्ष में मत हो जाइएगा, हवा में ऐसे, वो थ्री डायमेंशन होता है। अब दिक्कत ये है कि हमको कोऑर्डिनेट तो हवा में बना नहीं सकते, वो तो आप कॉपी में ही बनाना पड़ेगा, तो ये आप इस प्रकार बना सकते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड बता सकते हो, या एक्स वाई जेड ऐसे कर सकते हो, और कोई पॉइंट यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, एक्स वन वाई वन जेड वन, तीनों चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर एक्स टू वाई टू जेड टू। और वैसे भी डेफिनेशन हमने बताई थी कि जिस मोशन में केवल एक कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में चेंज हो वो वन डायमेंशन, जिसमें दो चेंज हो वो टू डायमेंशन, जिसमें तीन चेंज हो वो थ्री डायमेंशनल, ये तीन डायमेंशनल मोशन होता है। वैसे तो एन डायमेंशनल हो सकता है ना, लेकिन फिलहाल थ्री डायमेंशनल है। अब छोटी छोटी बातें जो कि कक्षा छः से हम पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलासिटी क्या है, स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये पूरा बताया जाएगा, ठीक है। तो लिखिए द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक साथ लिखवा रहे हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग भी लिखवा सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखवा देंगे। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ ऑफ, टोटल पाथ ऑफ द जर्नी, तो लिख लीजिएगा द लेंथ ऑफ टोटल पाथ ऑफ द जर्नी इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इज नोन एज डिस्टेंस। नहीं कंपेरिजन क्यों कर रहे हो, एक ही पॉइंट लिखवाना है, इज नोन एज डिस्टेंस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये डायरेक्शनल नहीं होती, इसमें डायरेक्शन नहीं देखते, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलग की बात हुई जाकर के, जो आपकी डेफिनेशन है वो डिस्टर्ब कर रही है। अगर हमने कहा यहाँ से यहाँ तक बॉडी जानी है तो ये तो डिस्टेंस हो गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है शॉर्टेस्ट, हाँ वही चीज़ कहे वही रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट भी लिखिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ वैक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वैक्टर क्वांटिटी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लें कि कोई बॉडी ए से चलना शुरू की, बी तक गई, बी से चलना शुरू की, सी तक गई, ठीक है, ए से गई बी और बी से गई सी, तो डिस्टेंस कितनी उसे कवर की, डिस्टेंस कवर की ए बी प्लस बी सी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से सी के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस। तो अगर हमसे कहा जाए कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप कहेंगे ए सी है, ठीक है, यानी अगर बॉडी घूमते फिरते ए पॉइंट पे दोबारा आ जाए तो डिस्टेंस तो होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। आप लिखिए स्पीड, स्पीड सब पढ़ चुके हैं आप, स्पीड, स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है,
जनरली डेफिनेशन स्पीड की हमने जो छोटे क्लासेस पर पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, तो लिखिए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, इज नोन एज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हम बात करें इसके यूनिट की, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। अब आप कहेंगे भाई किलोमीटर पर आर भी हो सकता है, देखिए जब हम बात यूनिट की करते हैं तो हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो एसआई यूनिट में आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट भी हो बाद में बात करेंगे, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें डायरेक्शन की हम बात नहीं करते हैं। अब स्पीड के टाइप्स लिखिए, टाइप्स ऑफ स्पीड, कितने तरीके की स्पीड होती है, टाइप्स ऑफ स्पीड में सबसे पहले तो होती यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब आप स्कूल की यूनिफॉर्म पहन करके बड़ी स्पीड से स्कूल चले जाओ तो ये कहलाएगी यूनिफॉर्म स्पीड, और ऐसी डेफिनेशन लोग लिखते भी हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन देने की जरूरत तो है नहीं, क्या लिखें, कैसे आप कहें किसी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस बॉडी कवर करती है, तो लिखिए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन इट्स स्पीड इज सेट टू बी यूनिफॉर्म स्पीड, देन इट्स स्पीड इज सेट टू बी यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। दूसरा वेरिएबल स्पीड, तो नाम से लग रहा है कि भाई पहले एक सेकंड में 2 मीटर, अगले सेकंड में 3 मीटर, अगले सेकंड में 5 मीटर, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है, तो लिखिएगा इफ द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द स्पीड इज सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, देन द स्पीड इज सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अच्छा तीसरी बात होता क्या है कि जैसे आपको अलग अलग डिस्टेंस कवर करनी है और अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से आप कवर कर रहे हो, जो सिंपल सी बात है अलग अलग टाइम लगेगा तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी, तो अगला है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। इस एवरेज स्पीड पर जो छोटे मोटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, उन्होंने कहा एक शहर ए है और एक शहर बी है और शहर ए से बी की तरफ हम कार से जा रहे हैं और कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आर और लौट रहे हैं 40 किलोमीटर पर आर, तो उन्होंने कहा बताइए कार की एवरेज स्पीड क्या है, तो उन्हें क्यों दिया इस क्वेश्चन को, उनको मालूम था कि दो स्पीड हैं 50 और 40, स्टूडेंट एवरेज कैसे निकालेगा, दोनों को ऐड करके हाफ कर देगा और फट से 45 लिखेगा और 45 वहाँ होगा भी ऑप्शन में, हाँ 45 आ गया, बगल वाले को बता देगा कौन सा 45, लेकिन हमसे पूछ लेना है, अगला वाला हमको बता देना, जैसे एक एग्जाम था एक सामने बैठा था बोले हमसे पूछ लेना, अच्छा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन उसने हमको बताया वो गलत था, हमको आगे देखना आप पीछे पलट के मत देखना, आप तुम अपना लगाओ हम तुमसे नहीं पूछ रहे हैं, उसको मतलब था अपने तरफ से ऑफर दे दें हमसे पूछ लेना तो आप अगला भी हमको कुछ बताएगा, ठीक है। अच्छा चश्मा उस्मा लगा स्मार्ट लग रहा था तो लग रहा था इंटेलिजेंट ही होगा, नहीं कभी कभी होता है, ये सिस्टम नहीं होता है। अब देखो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
तो टोटल डिस्टेंस मान टोटल टाइम, तो इस शहर से इस शहर की डिस्टेंस हमने क्या मानी, एक्स टी डिस्टेंस मान लोगे भाई, आप कहेंगे टी माने तो क्या दिक्कत है, तो मानो टी। अब जैसे अगर किसी कोई लड़के का नाम अपने टॉमी रखेगा तो अजीब नहीं लगेगा, रख सकता है ना, रख तो सकता है, लेकिन टॉमी किसका नाम रखा जाता है, कुत्तों का रखा जाता है, क्यों, अब हम तो बादशाह रखे हुए हैं, क्योंकि अंग्रेज खूब डंडा उसड़ गए हैं तो लोगों ने वो खौराए में उसका नाम रख दिया टॉमी जैकी, जानबूझ कैसे नाम रखे। अच्छा वो लोग आत्मा आत्मा रखे होंगे अपने यहाँ, नहीं रखे होंगे, रखे होंगे हम तो बादशाह रखे, तो वाला की बात है, एक्स मानो भाई। अब देखो ए से बी जब ट्रेन जा रही है, कार जा रही है, तो उसकी स्पीड कितनी थी 50, उसकी उसकी डिस्टेंस कितनी थी एक्स किलोमीटर, तो बताइए उसको कितना टाइम लगा होगा, टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस अपान टाइम बराबर डिस्टेंस अपान टाइम, अरे भाई टाइम बराबर डिस्टेंस अपान टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड, यानी उसको कितना टाइम लगा एक्स अपान 50 आर। जब वो लौट के आया वापस तो डिस्टेंस तो वही रही होगी ना एक्स किलोमीटर, ये कम हो गई होगी, तो उसमें टाइम कितना लगा उसको एक्स अपान 40 आर। तो जब हम एवरेज स्पीड जिसको वी बार लिखेंगे, एवरेज स्पीड का हम इंडिकेशन क्या लिखेंगे वी बार, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 2x और टोटल टाइम कितना है एक्स अपान 50 प्लस एक्स अपान 40। ये हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एक्स कट जाएगा और जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। जनरली ये भी नहीं निकाल पाते, होता क्या है कि जिन लोगों ने टेंथ के बाद मैथमेटिक्स छोड़ दी, अब टेंथ में भी काम चलाओ मैथमेटिक्स ली, वो जैसे ही इंटर के बाद वो आगे चल के जब मैथ छोड़ दी और ग्रेजुएशन कर लिया, बाद में जब कंपटीशन जाते हैं तो वो हालत ख़राब हो जाती है उनकी, ये मैथमेटिक्स जहाँ ये रीजनिंग, इनको रीजनिंग मानो तो दिक्कत करती है, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई। अब एक बार बार वर्ड आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, नेक्स्ट लिखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको हिंदी में अगर लिखें तो कहते हैं तात्क्षणिक, ले आउट ऑफ हो गया, तात्क्षणिक तत्काल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल स्पीड क्या है, अब क्या है स्पीड बताओ, बढ़ गया, चेंज हो गया, जब तक घड़ी देखो तब तक हो गया। तो जब स्पीड बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में होता है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। स्पीड एट अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, स्पीड ऑफ ए बॉडी इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल आर स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, इसमें बढ़ा सकते हैं आर स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी क्षण तत्काल उसी वक्त, अब 10 बजे जब 10 बजे कितनी स्पीड आपकी थी, आपने कहा पता तो 10 बजकर 1 मिनट पे थी, 10 बजे कितनी थी, इट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम निकालते कैसे, देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड में फिलहाल तो वी माने ले रहे हैं, मानने तो कुछ भी मान सकते हैं, फॉर्मूला भी होगा डेल्टा अपॉन डेल्टा टी डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, लेकिन टाइम बहुत 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 स्मॉल है तो इसको कहते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये लिमिट वर्ड मैथमेटिक्स में भी दिक्कत करेगा, दिक्कत नहीं करता है लेकिन समझ में ज़्यादा आता नहीं लोगों को, लिमिट का मतलब क्या होता है, मतलब जो टाइम है वो जीरो नहीं है लेकिन जीरो की ओर अप्रोच हो रहा है, वेरी 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 क्लोज, जीरो नहीं, ठीक है। और ये मैथमेटिक्स में जब बहुत इस्तेमाल होता है तो इस डेल्टा को डी लिख देते हैं, ds by dt, इसको डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है, मैथ्स में भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन डी का मतलब वेरी स्मॉल चेंज, मतलब इतना चेंज कि ये चेंज किसके बराबर है, लगभग जीरो के बराबर है, ठीक है। तो ये आपकी होगी स्पीड। अब लिखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, बोले पहले तो ऑब्जेक्ट बोला था अब ये बॉडी बोला, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज वेलोसिटी गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। देखिए एक्चुअली में स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस फर्क पड़ता है ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर आप एक एरो बना दो,
लिख दो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर जो देता है वो कौन सी स्पीड देता है, इंस्टेंटेनियस देता है, तात्क्षणिक तत्काल देता है कि उस समय स्पीड क्या है, जब तक आप देखोगे देखो तब तक उसकी वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, वही बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो लिखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसमें एरो लगा दोगे ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी स्पीड, अच्छा इसकी यूनिट लिख दोगे मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो कैसी लगी ये सब छोटी छोटी बातें, वो छोटे क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक है, दोबारा पढ़ा, उसके बाद डिस्कस किया जाएगा, अब अलग अलग तरीके के ग्राफ होंगे, ठीक है, अब वो भी आपने 10th लेवल में पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिटेल में आएगी वैल्यू।